और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से यह खबर है जहां बवाल है, हंगामा है। यहां पर युवक की हत्या कर दी गई है और उसके बाद जबरदस्त बवाल, हंगामा। बिजनौर से यह खबर जाहिर है, इस हत्या के बाद तनाव की भी खबर है कि यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हत्या के बाद लोग गुस्से में हैं, जबरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं और जाम लगा दिया है। जजी चौक पर ये लाश रखकर लोगों ने जाम लगा दिया है। सपा नेता इकबाल अहमद पर ये आरोप है कि उन्होंने ये हत्या कराई है। तो ये बड़ी खबर, बीती रात पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कराया गया और इसमें जो गंभीर रूप से दोनों जख्मी हुए थे, पिता और बेटा, बेटे की मौत हो गई है। मृतक का जो पिता है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर। बिजनौर से खबर और तनावपूर्ण माहौल इस समय बना हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है। तनावपूर्ण स्थिति है, लोग बेहद आक्रोशित हैं और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं इस आक्रोश को जाहिर करने के लिए। लाश को रखकर लोगों ने जाम लगा दिया है और मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उस शख्स पर जिसे ये लोग आरोपी बता रहे हैं। जानलेवा पहले हमला कराया गया, उसके बाद पिता और बेटा दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए, बेटे की जान चली गई है और मरने वाला जो युवक है उसका पिता बीजेपी का कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप हत्या कराने का। हालांकि समझाने बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, तस्वीरों के मार्फत हम देख भी पा रहे हैं। और आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से भी। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा। कानून व्यवस्था कल ही बिजनौर में विशाल और उनके परिवार पर हमला हुआ, पिताजी घायल जख्मी और विशाल की हत्या हुई। पिछले 5 साल के अखिलेश के शासन में, कुशासन में पुलिस पर 1400 हमले हुए। और अरशद जैदी इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका रुख कर लें। अरशद, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, देखिए बेहद तनावपूर्ण स्थिति है और आरोप भी गंभीर है समाजवादी पार्टी के नेता पर। तो इस समय जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कह रहा है और किस तरीके की कार्रवाई? देखिए गरिमा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो जांच में पाया गया है समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इस और जो है इस पे आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन ये बीती रात ये हादसा हुआ है। दो लोग, ये बाप और बेटा और पुत्र जो है, ये पानी देने के लिए खेत में जा रहे थे और उसके बाद जो है 20 लोगों ने, जो हमारी पीड़ित जो है घायल जो है उनके पिता से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 20 लोग थे और जिसमें से एक को पहचान लिया गया था। 16 सितंबर 2016 को जो एक पेदा कांड हुआ था उसमें 3 लोगों की जाने चली गई थी, उसी में एक मुख्य आरोपी इकबाल पुर प्रधान है, उनका नाम उन्होंने जाहिर किया है गरिमा। और तो कुल मिला के कहा जाए पूरा इलाका जो है इस टाइम जिले में सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है पूरी तरह से, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई अभी नाम आने के लिए तैयार नहीं है गरिमा। बेहद शुक्रिया आपका अरशद इस पूरी बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे।